हेलो हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं एनटीए वीडियो चैनल। अगर दोस्तों आपके आधार कार्ड, जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही है, आधार कार्ड खो गया, उसमें मोबाइल नंबर भी रजिस्टर नहीं है और आपको आधार नंबर भी नहीं पता है, तो आप कैसे निकाल पाएंगे? सबसे पहले आपको आ जाना है UIDAI की वेबसाइट पर। देखिए, UIDAI आपको सर्च कर लेना है और यहाँ पर लिखा है रिट्रेवल लॉस्ट फॉर गाइडन EID एंड UID, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर आकर, इस ऑप्शन पर जब आप आ जाएंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन मिलेंगे कि आप आधार नंबर जानना चाहते हैं या इनरोलमेंट नंबर जानना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आधार नंबर आप जान सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आपके में मोबाइल नंबर रजिस्टर है और आपको अपना आधार नंबर नहीं पता है, तो यहाँ पर मैं दोनों ही तरीके बताऊँगा, क्योंकि अगर जिसके में नंबर लगाया तो उसके लिए आधार नंबर जानना बहुत आसान तरीका है, और जिसके में नंबर नहीं लगा होता है उसका प्रोसेस हम अभी बताएंगे। तो पहले हम आधार नंबर वाला यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है आपका फुल नेम, तो जो भी आपके आधार कार्ड में इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर नाम जो है एंटर कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नाम ही एंटर कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए हम अपना नाम एंटर कर दे रहे हैं और यहाँ पर अपना जो है आपको मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। फ्रेंड्स, मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप मोबाइल नंबर या जीमेल ऐड, अगर दोनों हैं तो दोनों में से एक कर दीजिएगा। तो हमारे में यहाँ पर मोबाइल नंबर ऐड है, तो यहाँ पर हम और कैप्चा भी डाल देंगे। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर सेंड OTP पर आपको क्लिक कर देना है, और देखिए यहाँ पर OTP और रजिस्टर मोबाइल नंबर चेक योर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर OTP सेंड कर दिया जाएगा और यहाँ पर नीचे एंटर OTP और TOTP का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पे ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पर हम, यहाँ पर जो हमारा ये आया है OTP, तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप, एंटर करने के बाद आपको ओके कर देना है, यानी लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ही देर में देखिए यहाँ पर UID सेंड योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर आपका आधार नंबर सेंड कर दिया गया है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए डियर रेजिडेंट्स योर आधार नंबर इज़, हमारा आधार नंबर का ये मैसेज आ चुका है। तो इस प्रकार से आप जो है बहुत आसानी से अपना आधार नंबर जो है निकाल सकते हैं जिनके में मोबाइल नंबर रजिस्टर है। अब हम आपको वो प्रोसेस बताने वाले हैं कि जिसके में आधार नंबर रजिस्टर नहीं है। तो आपके लिए आपको नीचे जाना है अपनी इसी वेबसाइट पर, आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको एक नंबर दिखाई देगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक नंबर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक नंबर आपको दिखाई देगा, नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे आप जब, तो नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर देखिए मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ और नंबर अब आपको मैं बता देता हूँ। तो उससे आपको जो है, अगर मोबाइल नंबर भी रजिस्टर नहीं है आपके आधार कार्ड में, तो भी आप जो है इसमें अपना जो नंबर है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक नंबर दिखाई देगा आपको। देखिए टोल फ्री नंबर 1947, तो यहाँ पर ये 1947 है, इस पर आपको कॉल करनी है। अगर आपके पास आधार नंबर भी नहीं है, उसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर भी नहीं है, तो देखिए चलिए हम इस पर कॉल करते हैं और आपको लाइव सुनाते हैं कैसे पता चलता है। वेलकम टू आधार संपर्क केंद्र, हिंदी में जारी रखने के लिए एक, यदि आप आधार पंजीकरण करवा चुके हैं तो एक दबाएं, यदि आप अपने आधार पंजीकरण की स्थिति जानने के लिए एक दबाएं, अपने आधार में कोई सुधार या बदलाव संबंधित प्रश्नों के उत्तर हेतु दो दबाएं, इस सूचना को फिर से सुनने के लिए 8 दबाएं, मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए 0 दबाएं, हमारे अगले उपलब्ध सहयोगी से बात करने के लिए 9 दबाएं। कृपया प्रतीक्षा करें जब तक हम आपके कॉल को हमारे अगले उपलब्ध प्रतिनिधि को भेजते हैं। यह कॉल गुणवत्ता और प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए दर्ज की जा सकती है। जी सर, नमस्कार सर, मेरा नाम अजय साहू है सर, और सर मेरा आधार कार्ड गुम गया है सर। सर एक्चुअली मेरी वाइफ का आधार कार्ड गुम गया है सर, तो उसका आधार नंबर मेरे को चाहिए था सर। जी आधार कार्ड बनवाए, उसकी पर्ची वगैरह है आपके पास, या आधार कार्ड की जेरॉक्स कॉपी? जी सर, जिस डॉक्यूमेंट से मैंने आधार कार्ड बनवाया था सर, वो डॉक्यूमेंट है सर मेरे पास। जी नहीं, उनका कोई आधार कार्ड की कोई जेरॉक्स कॉपी है आपके पास? जी नहीं है सर। जी आधार कार्ड बनवाए, उसकी कोई पर्ची वगैरह, एनरोलमेंट नंबर? नहीं है सर। जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं जो आधार कार्ड गुम हो चुके, आपके पास जो कुछ भी प्रूफ में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो,
जी सर, समझिए आप निश्चिंत रहिए, आपकी पूरी तरह से सहायता हो जाएगी। बेहतरीन से आगे आपसे कुछ जानकारी ले सकता हूँ? जी सर, जी सर। आधार कार्ड का नाम जान सकता है एज पर आधार कार्ड? जी सर। सर कुसुम लता साहू अलग अलग है सर। कुसुम? हाँ, के यू एस यू एम। हाँ। एल ए टी ए। जिस पे देखिए लता है। जी जी हाँ, कुसुम लता। उसके बाद सर एस ए एच यू, सॉरी एस ए एच यू साहू। यस, एच ए यू। सर एस फॉर सिंगापुर और ए फॉर औरंगाबाद। हाँ। और एच सर, एच फॉर हरियाणा। हाँ। और यू फॉर यूनिवर्सिटी। जी, डेट ऑफ बर्थ जान सकते हो? फुल डेट ऑफ बर्थ? जी सर, 04061998। नाइन। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक किया वो जान सकता हूँ? सर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है सर उसमें। पिन कोड नंबर जान सकता हूँ? जी सर, 49556। 5556। जी। स्टेट जान सकते हो? राज्य? सर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। आपने जो डिटेल्स दिया है वो चेक कर सकते हैं, जानकारी चेक कर रहा हूँ। जी सर। आपके रिलेशन में कौन लगते हैं? सर मेरी वाइफ है सर। जी, जैसे कि उनकी जानकारी सिस्टम में चेक हो रही है। फुल डेट ऑफ बर्थ जान सकते हो फिर से? जी सर, 04061998। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि अपने जो डिटेल्स है वो तो सिस्टम में वेरीफाई हो चुकी है। जी। ठीक है, तो मैं अपना जो आधार कार्ड बनाया तो उसके जो पर्ची के ऊपर का जो एनरोलमेंट नंबर दे रहता है मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप हमारी वेबसाइट में जाके आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। जो पर्ची भी गुम हो चुकी है, ठीक है, तो नंबर लिख सकते हैं 1118। सर बहुत लंबा रहता है क्या सर? जी श्रीमान जी, आपको जो है टोटल 28 डिजिट का नंबर रहता है। 1118। जी। 450। सर एक मिनट सर, नोट कर रहा हूँ सर, थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को। मैं जब लाइन पे बनी नहीं रह सकते उसमें देख लिया, खेल आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। जी जी जी, बोलिए सर। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? जी सर सुन रहा हूँ सर, बोलिए सर। जी मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, 1118। ठीक है। 450 1108 3। ठीक है, ये 14 का नंबर होगा, उसके आगे डेट और टाइम रहते हैं 15/11/2014। जी। 11:01:57। जी सर, आप वेबसाइट में जाके अपना जो आधार कार्ड है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। क्या मैं इसके अलावा कोई सहायता कर सकता हूँ? ठीक है, ऑडियो सुन लिए आप। अब तो फ्रेंड्स, जब आपको अपना ई आई डी नंबर मिल जाएगा तो आपके नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर फिर से आपको अपनी वेबसाइट पर आना है और आपको यू आई डी नंबर, ई आई डी नंबर मतलब इनरोलमेंट नंबर आपको मिल चुका है, तो यहाँ पर आपको आना है फिर से और आपको यहाँ पर ऑर्डर आधार रीप्रिंट पर आपको क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, इसमें कुछ लोग गलत तरीका भी बताते हैं, परंतु हम यहाँ पर आपको ओरिजिनल तरीका बताने जा रहे हैं। तो ऑर्डर आधार रीप्रिंट पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे फ्रेंड्स कि आप यहां पर देखें नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर आधार नंबर से अपना आधार रिप्रिंट कराना चाहते हैं, वर्चुअल आईडी से या ई आईडी नंबर से, और यहां पर ई आईडी नंबर से आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो ई आईडी नंबर पर आपको क्लिक करना है और आपको अपना इनरोलमेंट आईडी यहां पर जो आपको हमने फ़ोन करके पता किया है वो आपको डाल देनी है और यहाँ पर आपको ये कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद फ्रेंड्स, आपके आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर तो है नहीं, तो यहाँ पर माई मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए कस्टम मोबाइल नंबर कोई भी जो आप हाल में चला रहे हैं वो आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद उसी नंबर पर आपके मैसेज भेजा जाएगा और आपकी 50 रुपये फीस कट जाएगी और आपका आधार कार्ड जो है फ्रेंड्स डाकघर से ओरिजिनल आधार कार्ड 10 से 12 दिनों में आपके घर पर पहुंच जाएगा। तो हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा